गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। इस बार परसेंटाइल नहीं प्रतिशत अंकों पर होगा प्रवेश। प्रवेश आवेदन की तिथि समाप्त, अब कट ऑफ का इंतजार। ये रही तीन बड़े महाविद्यालय में प्रवेश आवेदनों की स्थिति, तो आप देखना चाहते हैं तो पूरी खबर विस्तार से देख सकते हैं। 99% परीक्षार्थियों को मिला अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र, जेईई मेन्स व नीट परीक्षा कोटा। नीट में 1,00,000 से भी कम ने बदला परीक्षा केंद्र। नीट 2020 प्रोटोकॉल, न छूकर होगी जांच, न लेंगे थंब इम्प्रेशन, न घूम सकेंगे वीक्षक। कैसे ऐसे मिलेगी एंट्री? विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग के लिए टाइम स्लॉट दिए जाएंगे। प्रवेश के समय उनका तापमान जांचा जाएगा, दस्तावेजों की जांच होगी। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, इसके बाद दोबारा तापमान जांचा जाएगा। कोई संदिग्ध लगता है तो उसे अलग आइसोलेशन रूम दिया जाएगा। और विद्यार्थियों को क्या क्या ध्यान रखना है ये आप देख सकते हैं। चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने पहनेंगे, पारदर्शी पानी की बोतल, 50 ml का सैनिटाइजर साथ लाना होगा। नई शिक्षा नीति लागू करने पर शिक्षकों से मांगे सुझाव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा नीति लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका, नई दिल्ली। UPSC में पिछड़ता हिंदी माध्यम, मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदलने और स्तरीय सामग्री तथा मूल प्रश्न पत्र के अंग्रेजी में होने के कारण हिंदी माध्यम पिछड़ रहा है। इंटरव्यू शानदार होने पर भी चयन न होने की वजह है, एक बेहतर रिज्यूमे और शैक्षणिक योग्यता भर से ही जॉब पक्की हो जाए यह ज़रूरी नहीं। अंतिम सीट एम्स भोपाल माइक्रोबायोलॉजी में आवंटित, एम्स PG मेडिकल डेंटल काउंसलिंग ओपन राउंड का परिणाम घोषित, 25 अगस्त तक रिपोर्ट एवं ज्वाइन कर सकेंगे छात्र। शिक्षक बनने की चाह है, ऐसे मिलेगी राह है। हमारे देश में नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश लाभदायक होगा, इसमें भी ब्याज समय के साथ घटता जाता है। चिकित्सा अधिकारी के कई पद खाली है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून की ओर से 763 कुल पद है। और ये आप देख सकते हैं पूरी अंतिम तिथि है इसकी 31 अगस्त 2020। पात्रता है, आयु सीमा, आप चाहे तो पॉज करके पूरी खबर देख सकते हैं। RAS में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आज ऑनलाइन प्राथमिकता का चयन, इसका रखें ध्यान। जिन अभ्यर्थियों ने केवल non-TSP के तहत आवेदन किया उन्हें केवल non-TSP के प्राथमिकता क्रम भरने होंगे। इसी तरह जिन अभ्यर्थियों के TSP के तहत आवेदन किया उन्हें केवल TSP के प्राथमिकता क्रम भरने होंगे। अजमेर, अब सरकारी स्कूलों में बॉक्सिंग समेत 21 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, इन खेलों को शुरू करने की प्रक्रिया जारी। 33 जिलों में बनेंगे 34 मॉडल पुस्तकालय। वाहन चालक की रिक्तियां, जल्द करें आवेदन, कहां? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। पद विवरण, वाहन चालक पदों की संख्या 72 और ऑनलाइन आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2020। पावर ग्रिड में अप्रेंटिस करने का मौका, पावर ग्रिड गुरुग्राम हरियाणा। पद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, पदों की संख्या 33 है और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। ऑनलाइन कंपटीशन में तैयारी हो स्मार्ट। सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार, हरियाणा की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम। पदों की संख्या 103 और साक्षात्कार की तिथि है 28 अगस्त 2020। कमेटी ऑफ पेरेंट्स कॉल फॉर स्टेट बंद ऑन August 31, नो स्कूल नो फीस, जयपुर। DU में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक प्रवेश परीक्षाएं, नई दिल्ली। सेंटर 150 किलोमीटर दूर गांव में बाढ़, कैसे दे एग्जाम? नीट JEE समेत सभी एग्जाम पोस्टपोन करने के स्टूडेंट्स पेरेंट्स की मांग, भूख हड़ताल कर विरोध जताया। ट्विटर पर सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड ट्रेड के साथ रविवार को इसमें विरोध में 30 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। नीट और JEE छात्रों को मिला है परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प, NTA नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति पर अमल, सरकारी नौकरियों के राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट कक्षा और मोबाइल तकनीक अपनी पेट बना रहे हैं। स्कॉलरशिप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्ट्रेथ क्लाइड बिजनेस स्कूल ग्लासगो को इंटरनेशनल MSc छात्रों को अनेक आंशिक 50% फ्री फीस स्कॉलरशिप प्रस्तावित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब गांव सरकारी जयपुर के बाद प्रवेश में सबसे अधिक विद्यालय बाड़मेर में। कितनी मददगार होगी NRA, कैसे होगी एक देश एक परीक्षा? देश के हर जिले में कम से कम एक सेंटर जरूर होगा, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सेंटर का जिला चुन सकेंगे। देश में लगभग 1000 सेंटर होंगे, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित होगी। NRA क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। शिक्षा का भिन्न नज़रिया, प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि इस अनिश्चित दौर में दिव्यांगों के लिए पढ़ाई को अधिक पहुँच योग्य व समावेशी बनाने के लिए तकनीक और डिजिटलीकरण जबरदस्त भूमिका निभाएगी। कांस्टेबल बनने के लिए 17 लाख अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार, कोरोना का कहर, इस साल परीक्षा पर संशय कमेटी की बैठक में मंथन, जयपुर।
उड़ान को बनाए करियर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक दिलचस्प करियर विकल्प बनती है, छात्र किस तरह इसे लाभकारी विकल्प बना सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताते हैं डॉक्टर कमल बंसल। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अप्रैल 2020 में स्थायी ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम स्पेस इन्वेंशन के लिए तकनीकों के विकास हेतु अवसर की घोषणा में इसी प्रबल भावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। नीट जेई मेंस एग्जाम टलवाने को एकजुट, छात्र भूख हड़ताल पर, शूटिंग के नियम तय। फिल्म और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग शुरू करने के लिए सरकार ने नियम जारी किए हैं। कैमरे के सामने आने वाले कलाकारों को छोड़ बाकी लोगों ने के लिए सामाजिक दूरी मानना और मास्क लगाना जरूरी होगा। मरीज 30 लाख पार, देश में कोरोना के मामले 30 लाख के आंकड़े पार कर चुका है। 16 दिन पहले यह संख्या 20 लाख पार पहुंची थी। संडे को 69,229 मामलों के बाद मरीज 30,44,940 हो गए। साथ ही 912 और लोगों की जान चली गई। संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रहे ऐतिहासिक कार्य, डॉक्टर अनुला मौर्य का कुलपति कार्यकाल रहा बेमिसाल, जयपुर। शिक्षा को कौशल से जोड़ना आवश्यक, नई शिक्षा नीति कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में परिवर्तनकारी है। हमें व्यावसायिक कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है। कोरोना काल में छात्रों के लिए सहायक बने शिक्षा दर्शन व स्माइल मोबाइल ऐप, बीकानेर। समर्थन, नीट जेई टालने के लिए कई दल साथ आए विरोध, कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा टालने की मांग। राहुल गांधी बोले, छात्रों के मन की बात सुने केंद्र सरकार। तो इस बार कांग्रेस सरकार भी छात्रों के साथ है। अक्टूबर तक चुनाव आयोग कोरोना वायरस से जुड़ी मांगेगा रिपोर्ट, बीकानेर। भारतीय ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की कीर्ति पताका फहराएंगे राज्यपाल, जयपुर। पहले भी अलग अलग डेट पर हुआ नीट, अब कोरोना के बीच एक ही दिन में क्यों? करीब 16 लाख अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा। रोजगार नहीं तो भत्ते का इंतजाम, दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी बेरोजगारी अब एक गंभीर मुद्दा है, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग बढ़ी, नीट जेई परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंताओं पर गौर करे सरकार, कांग्रेस। आरयू कुलपति पद की दौड़ में गुलाब चंद जायसवाल और जगदीश प्रसाद सबसे आगे, जयपुर। कोरोना काल में शिक्षकों के समक्ष चुनौतियां बढ़ी, कोरोना योद्धाओं का सम्मान, गाँव तक सुविधाएं पहुंचाने में राज्य सरकार तत्पर, यादव। CBEO कार्यालय में नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन, बच्चों का शैक्षिक भविष्य। नीट जेई पहले भी अलग अलग डेट पर हुआ लेकिन अब कोरोना के बीच एक ही दिन में क्यों? CBEO के दोहरे आदेश से शिक्षकों में बनी असमंजस की स्थिति। दिव्यांगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिले, केंद्रीय खाद्य विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र के जरिए दिए निर्देश। सिरोही कला और जाखड़ों की ढाणी में सरकारी स्कूल भवन का शिलान्यास, 8 साल से टीन शेड के नीचे पड़ रहे हैं विद्यार्थी, 1.5 करोड़ की लागत से बनेंगे भवन। और आखिर में आज का सुविचार, अगर आप आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो कल आपको पछताना होगा। और इसी स्वास्थ्य से भरी इम्पोर्टेंट सुविचार के साथ मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ, तो बने रहिए गुरुकृपा कॉम्पिटिशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।